प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का सातवां पाठ मीरा के पद। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक पद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस पद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, इसका भाव अर्थ समझना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, बान का यहाँ पर आली री मेरे नैनन बान पड़ी, बान का यहाँ पर अर्थ होता है आदत। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति और बीच आन अड़ी, कब की ठाणी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाने लोग कहें बिगड़ी। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। पहला प्रश्न है, यह पद किसके द्वारा रचित है, यह पद किसके द्वारा रचित है? तो आप इसका उत्तर देंगे, यह पद मीराबाई के द्वारा रचित है। यह पद किसके द्वारा रचित है? मीराबाई के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, कवित्री की आँखों को क्या आदत पड़ गई है, कवित्री की आँखों को क्या आदत पड़ गई है? तो आप इसका उत्तर देंगे, अपने प्रियतम कृष्ण की छवि को निहारते रहने की, अपने प्रियतम कृष्ण की छवि को निहारते रहने की। तीसरा प्रश्न है, कवित्री किसका पंथ निहारती है, कवित्री किसका पंथ निहारती है? तो आप इसका उत्तर देंगे, अपने प्रिय कृष्ण का। किसका निहारती है? अपने प्रिय कृष्ण का। चौथा प्रश्न है, मीरा के लिए प्राण बचाए रखना क्यों कठिन प्रतीत हो रहा है, मीरा के लिए प्राण बचाए रखना क्यों कठिन प्रतीत हो रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कृष्ण के बिना प्राण बचाए रखना कठिन है, कृष्ण के बिना प्राण बचाए रखना कठिन है। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती हैं, मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती हैं, मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती हैं? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, जो इसका सही विकल्प हो या सही उत्तर हो उस पर हमें राइट का या सही का निशान लगाना है। मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती हैं? पहला है राम नाम का रस, दूसरा है कृष्ण नाम का रस, तीसरा है प्रभु भक्ति का रस और चौथा है सभी प्रकार का रस। तो इसमें सही विकल्प क्या है? क, राम नाम का रस। तो हमें इसे राइट करना है। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई किसे त्यागने को कहती हैं, मीराबाई किसे त्यागने को कहती हैं? पहला विकल्प है कुसंग को, दूसरा है सत्संग को, तीसरा है संतों को और चौथा है आडंबरों को। तो इसमें सही विकल्प है कुसंग को। मीराबाई किसे त्यागने को कहती हैं? कुसंग को, यानी कि बुरी संगति को। तीसरा प्रश्न है,
माधुरी मूर्ति कहाँ अड़ी है, माधुरी मूर्ति कहाँ अड़ी है। पहला है, पहला विकल्प है नैनन में, दूसरा विकल्प है उर में यानी कि हृदय में, तीसरा विकल्प है पंथ में यानी कि रास्ते में, और चौथा है भवन में। तो इसका सही विकल्प है उर में, हृदय में। माधुरी मूर्ति कहाँ अड़ी है, तो आप इसका सही उत्तर देंगे या सही विकल्प पर निशान लगाएंगे उर में। अब हम पढ़ेंगे भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। मनवा का खड़ी बोली रूप है मन, सुनी का अर्थ है सुन, कू का अर्थ है को, बिच का अर्थ है बीच, ठाड़ी का अर्थ है खड़ी, लोक का अर्थ है लोग। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। मीराबाई की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, तो आप इसका उत्तर देंगे, मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, गुजराती तथा ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, गुजराती तथा ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। चौथा प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे पहला शब्द है नैन। नैन का अर्थ होता है आँख या नेत्र, तो नेत्र लोचन। आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं, तो नयन का पर्यायवाची होगा नेत्र लोचन। इसी तरीके से भवन, भवन यानी कि घर, तो भवन को घर भी कहते हैं और भवन को सदन भी कहते हैं, तो भवन का पर्यायवाची हुआ घर सदन। इसी तरीके से हाथ, हाथ का पर्यायवाची है, हाथ को हस्त भी कहते हैं और हाथ को कर भी कहते हैं, तो हाथ का पर्यायवाची हुआ हस्त और कर। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।